तो सबसे पहले बात करते हैं कि एडवांस एक्सेल होता क्या। क्या एडवांस एक्सेल एक्सेल की कोई अलग वर्जन है? बेसिक एडवांस क्या अलग अलग होते हैं, या एक्सेल के कुछ अलग अलग फीचर है जिसको हम एडवांस एक्सेल कहते हैं? देखिए, एडवांस एक्सेल और नॉर्मल एक्सेल ये सब एक ही है। एक्स लगाने का तरीका है, लगाने का तरीका है, तरीके हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज करते हैं। अब एग्जांपल के लिए बताते हैं आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिखा और यहाँ पे 30। अगर मैं 20 को कॉपी करके 30 के ऊपर पेस्ट करूँ तो 30 रिप्लेस हो गया, राइट सर? हाँ लेकिन इसी में मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ, पेस्ट स्पेशल कर लेता हूँ, तो पेस्ट स्पेशल में आप देखेंगे हमारे पास फीचर होता है ऐड का। अब मैं ओके करूंगा तो 20 और 30 के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट आपका 50 पेस्ट हो जाएगा। हो गया 50 पेस्ट। अगर मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊं मल्टीप्लाई करूं तो देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने यहां ये समझा कि पेस्ट स्पेशल करते समय अगर हमने ऑपरेशन लिया तो जहां पे पेस्ट हो रहा है और जहां से कॉपी हो रहा है उनके बीच में कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट यहां पे पेस्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको हम बेसिक कंसेप्ट कह सकते हैं, राइट? इसको हम क्या कह सकते हैं? बेसिक बेसिक कंसेप्ट, कॉन्सेप्ट। राइट सर? जी सर, अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें एडवांस क्या हो सकता है। तो चलिए, अगर आप मुझे साथ एडवांस की हम बात करें तो एडवांस हम बात करते हैं कि एडवांस में क्या होता है। तो चलिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उससे पहले जानते हैं कि परसेंटेज का क्या रोल है। जैसे मैंने यहाँ पे 20 लिया और यहाँ पे 30 लिया, राइट? देखिए मुझे परसेंट में लिखना है तो 20, और परसेंट का सैंपल लेंगे तो यहाँ पे 20% आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने 30 लिखा और फिर होम में जाके परसेंटेज के सैंपल पे क्लिक किया, क्या हो जाएगा? 3000%। क्यों? क्योंकि 1000%। एक्सेल में 1 इक्वल टू क्या होता है? 100%। 100%। अब मान लीजिए कि मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा 0.30, देन इस पे क्लिक करके हम परसेंटेज, प्रॉब्लम यही होती थी कि हमारे कलीग थे जो मुझे एक रिकॉर्ड भेजते थे और एक डेटा सेट भेजते थे, और डेटा सेट में कुछ इस तरह का डेटा होता था जो कि आप देख पा रहे हैं, तो उनके हिसाब से होता था ए परसेंटेज, लेकिन एक्चुअली में होता था नंबर। मतलब कि मैं यहाँ पे 500 का अगर 29% अगर परसेंट में है तो मैं जस्ट इनको मल्टीप्लाई करूंगा और रिजल्ट आ जाएगा। आ गया सर? लेकिन 79 अगर नंबर में है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट देखिए क्या आया। तो मुझे अपने फॉर्मूले को चेंज करना पड़ेगा ना सर? अब यहीं पे प्रॉब्लम हो गई। मैं इतना बड़ा डेटा, छोटा है लेकिन हो सकता है कि हजारों लाखों में हो, इतने बड़े डेटा को हम क्या करें? क्योंकि इतने बड़ा डेटा को अगर हम किसी डेटा पे ले जाते हैं और इसको मैन्युअली चेंज करेंगे तो काफी प्रॉब्लम होगी ना सर? प्रॉब्लम हो गई सर? जी सर, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे कुछ ऐसा सोल्यूशन जो हो जाए,
यहीं से करके कहीं ले जाए। दो तरीके हैं, एक तो मैं 79 पे क्लिक करूंगा, एंटर मारूंगा परसेंटेज लिख के, लेकिन सर ऐसे मैनुअली करोगे 1000 1 लाख डेटा है तो पूरा दिन निकल जाएगा, होगा वो भी होगा गारंटी नहीं है। तो क्या करें, तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते 0.79, 0.79 ये हो सकता है, बट कैसे, क्योंकि तो इसको होने के बाद परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो परसेंट हो जाएगा ना सर, और करें कैसे इसको। तो यहाँ पे जो अभी इससे पहले बताया था बेसिक कंसेप्ट उसका यूज करेंगे हम, किसी एक जगह पे 100 को लिखेंगे, 100 को कॉपी करेंगे और पूरे एक एरिया को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम कर देंगे डिवाइड। तो हर नंबर जब 100 से डिवाइड होगा तो रिजल्ट क्या देगा आपका इन द डेसिमल, और जब इसे परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज। हो गया परसेंटेज सर? जी सर। अब समझ में आया सर? जी सर। तो यही है एडवांस एक्सेल। इससे पहले जो मैंने आपको 20 और 30 वाला मेथड दिखाया तो इसको आप हल्के में लेते, बोलते सर क्या पता नहीं क्या यूज होगा, रहने देते हैं। लेकिन जब इसी का मैंने जब आपका एक प्रॉब्लम क्रिएट किया, रियल टाइम प्रॉब्लम क्रिएट किया और प्रॉब्लम बड़ा था, उस समय जब मैंने अपना मेथड समझाया तो आपको समझ में आया तो बड़ी आसान चीज है, और ये तरीका हम कभी नहीं भूलेंगे। तो हमारी जो एडवांस एक्सेल की क्लासेज होती है वो क्लासेज इसी तरह से ली जाती है, हर एक टॉपिक जो मेनू बार में दिख रहा है उसको हम बेसिक टू एडवांस लेके जाते हैं, राइट सर? जी सर। तो जो कोर्स मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूं वो कोर्स है एडवांस एक्सेल विथ फॉर्मूला, ए वर्किंग विथ फॉर्मूला, ए वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए मैंने बनाया हुआ है। अगर इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 45 घंटे, 35 से 45 घंटे के आसपास लगेगा, तकरीबन 2 महीने के आसपास मान लीजिए। क्लासेस जो होगी आपकी मंडे टू फ्राइडे होगी, और जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया वही होगा, ठीक है? ये आपकी 45 मिनट टू 1 आवर की क्लासेस हो सकती है, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस के ऊपर, ओके? और एक बैच में 1 2 3 पीपल ही होते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट लेवल की क्लासेज है, इसलिए हम बैच की साइज थोड़ी सी कम रखते हैं ताकि आपके वो आपके हिसाब से पढ़ा सके, ठीक है सर? अब कोर्स के अंदर क्या क्या होगा इसकी मैंने पीडीएफ कॉपी आपको भेजा हुआ है, ओके? पीडीएफ कॉपी मैंने आपको भेजा है, उसको देख सकते हैं आप। हर क्लास इसी तरह से लाइव दी जाएगी, क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग्स और आपकी प्रैक्टिस फाइल दी जाएगी, टाइम टू टाइम आपका टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद फिर आपका सर्टिफिकेशन होगा, फिर आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया।